वैसे मैंने कई बार मीडिया के माध्यम से सरकार तक बात अवगत कराई है, और हमारे साथी ने भी, हमारे हिमाचल के सभी बेरोजगार शिक्षक संघ के चीज ने भी साथी है, कई बार शिक्षा मंत्री से मिले और मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मिले, लेकिन हमारी पोस्ट से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं हुई है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो मैं ये आज स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ, खेल मंत्री भारत सरकार श्री अनुराग ठाकुर जी, जो कि हिमाचल के स्थायी निवासी है, हमें इस बात का गर्व है सर कि आप इतने बड़े पद पर इतने छोटे राज्य से गए हैं, हमें खुशी है। लेकिन साथ में सर, मैं आपसे स्पेशली बात करना चाहूंगा एक बेरोजगार होने के नाते, कि हिमाचल प्रदेश में 870 पोस्टें सरकार ने निकाली थी, ठीक है, 2018 के बाद एक भी पोस्ट नहीं भरी है, जिसमें से हजारों की संख्या ऐसी है जो बेरोजगार होते जा रहे हैं, 45 प्लस उम्र ऐसी है लोगों की जो कमीशन भी नहीं दे सकते हैं। तो अनुराग ठाकुर जी से मेरी हाथ जोड़कर बेनती है कि हमारी जो फिजिकल एजुकेशन पोस्ट हिमाचल सरकार ने निकाली है, इसमें आप कड़ा संज्ञान लें, और साथ में जो हमारा कोर्ट केस चला हुआ है, कोर्ट केस चला है, CLDB बंधु ने लगाया है, जिनका R&B रूम में कोई भी जिक्र नहीं है। हम विनती करना चाहते हैं सरकार से, हिमाचल सरकार से भी, और खेल मंत्री विशेष करके जो भी वीडियो बन रही है अनुराग ठाकुर जी के लिए, जो भारत सरकार में खेल मंत्री है वर्तमान समय पे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा सर कि आप इसमें कड़ा संज्ञान लें कि हमारी पोस्टें क्यों नहीं भर रही सरकार। कई बार अवगत करा चुके हैं लेकिन अनदेखी हो रही है हमारी। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 3000 पोस्टें ऐसी है जो खाली है, और 870 पोस्टों की नोटिफिकेशन जारी हुई जो सरकार नहीं भर रही है। हमारा बेरोजगारों का मेन उद्देश्य ये है कि R&B रूल के तहत भर्ती होनी चाहिए, ये सर हम आपके समक्ष भी बात रख रहे हैं आज। और अभी हमारी पेशी चल रही है, कोर्ट केस चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी सेम एज इट इज 2014 के बाद कोर्ट केस चले थे, लेकिन 2-3 भर्तियां हो चुकी है हमारी इसी कंडीशन में, लेकिन सरकार इसको बहाल नहीं करना चाहती है। हम आपसे गुजारिश करते हैं अनुराग ठाकुर जी से, प्लीज आप आगे आए और हमारा समर्थन करें, ताकि आपकी खेल नीति सिद्धि और अच्छी हो सके। आपने खेल नीति लागू की है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन इसका क्या फायदा है सर, अगर हिमाचल में सही टाइम पे लागू नहीं होगी, हजारों स्कूल खाली है हिमाचल प्रदेश में, बेरोजगार शारीरिक डिप्लोमा धारक ऐसे ही घूम रहे हैं। लेकिन मैं सर निवेदन करना चाहूंगा अनुराग ठाकुर जी से, मीडिया के माध्यम से, कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अनुराग ठाकुर जी तक ये हमारा वीडियो पहुंचे। आपको इस वीडियो बनाने के लिए मैं आपको ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं सर, ना आपको ठेस पहुंचाना है, लेकिन मजबूरियां हैं आज हमारी आप तक पहुंचने के लिए, हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, और लेकिन आप एक ऐसे शख्स है जो शायद इस चीज को कर सकते हैं खेल मंत्री होने के नाते, क्योंकि आप स्थायी हिमाचल के निवासी हैं, तो बेरोजगारों की अगर आप सुन सकते हैं तो आप इस चीज को। मेरे प्यारे बालो फिर से उग आओ सालो, तुम पे मैं कुर्बान। ऐसे इतने हंसने वाले लोग ना मैम, जब भी जैसे किसी की डेथ हुई ना जाके पहुंच जाते हैं कल तो करा था आज क्या हो गया कैंपस के। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी। हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजे अपना वीडियो 82198-00003 या 82198-00004।